कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब के यूथ को मजबूर कर दिता इस जेठ हड़ दियां धुप्पां दे विच सड़कां ते उतरन दे लई। जे अज यूथ बेरोजगार इस अपनी नौकरी की तलाश के अज मोती महल का घराव कर आ रहा तो यदि जिम्मेवार कैप्टन अमरिंदर की सरकार आ। सब तो वड्डा कलंक इस कैप्टन अमरिंदर की सरकार के ना वह आ कि जो साड़ियां कुड़ियां नू गुत्तों फड़ के घड़ीसा जाता जो साड़ियां कुड़ियां नू गुत्तों फड़ के घड़ीसना मतलब पंजाब के ना जड़ा वड्डा कलंक आ। विरोधी उठना है पर यूथ ने सड़कों पर आना किसानों ने सड़कों पर आना जो जड़े वादे किए थे जो सरकार नहीं पूरे करेगी तो रोस ही पंजाब दे विच उपजूगा होर कुछ इतने नहीं होगा। मुर्दाबाद 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 नहीं मंग पत्र दी गल्लां तो दूर रह गई साढ़े चार साल हो गए मतलब हजे मंग पत्र दी गल्लां ही हो रही ने। सरकार कन्ना दे विच तेल पाई बैठी हुई है हुण तक जड़े वादे किए थे पूरे कर देने चाहिए। अध्यापकों वालों अज फिर जो वाई पी ए चौंक जाने की मुख्यमंत्री के शहर के वह जो कूच किया गया बिल्कुल नज़दीक जो मुख्यमंत्री का जरा रहायश है। सो तुम देख सकते हो तस्वीर के अध्यापक जोड़े ने अच्छ फिर मुख्यमंत्री के शहर के पहुँच चुके हैं क्योंकि लगातार अध्यापक जोड़े धरना प्रदर्शन कर रहे थे अज फिर आखिरकार अपनी हकी मंगों लैके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिदे खास तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक बीबी बलजिंदर कौर भी जरा खास तौर पर मौजूद ने क्योंकि लगातार अध्यापकों के उपर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। सो गलबात करते हैं मैडम जी। मैडम जी की कहना चाहते हो लगातार अध्यापकों के उपर लाठीचार्ज किया जा रहा है अच्छी मुख्यमंत्री शहर के आए हो लगता तुम्हें मंगा मनिया जाएगी हूँ। देखो ये बहुत मंदभागा जड़ा पार्ट आ सरकार का कि पंजाब के यूथ नू झूठे वादे किए गए उन्होंने गुमराह किया उन्होंने यह कहा कि साड़ी सरकार बना दो असी तुहानू नौकरियां देवांगे यानी कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब के यूथ नू मजबूर कर दिता इस जेठ हड़ दियां धुप्पां दे विच सड़कां ते उतरन दे लई। जे अज यूथ बेरोजगार इस अपनी नौकरी की तलाश के विच अज मोती महल का घराव कर आ रहा तो यदि जिम्मेवार कैप्टन अमरिंदर की सरकार आ। और दूजी गल मैं एक होर कह दें कि सब तो वड्डा कलंक इस कैप्टन अमरिंदर की सरकार के ना वह आ कि जो साड़ियां कुड़ियां नू गुत्तों फड़ के घड़ीसा जाता जो साड़ियां कुड़ियां नू गुत्तों फड़ के घड़ीसना मतलब पंजाब के ना जड़ा वड्डा कलंक आ पंजाब कभी इन्हों नू माफ़ नहीं करूगा। आम आदमी पार्टी की गल की है किदां सहयोग किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह केजरीवाल साहब दिल्ली के आए थे वादा करके गए हैं हुण इन्हां नाल की वादा किया जा रहा है। देखो आम आदमी पार्टी की सरकार जिथों तक अरविंद केजरीवाल जी की गल आ वह वादे नहीं करते वह गरंटियां देंदे आ गरंटियां मीनस जो काम कहे ने उन्होंने करके दिखाएंगे। जे असी दिल्ली की भी गल कर रही तो दिल्ली के जिन्नियां गरंटियां दित्तियां सीगियां सारे दे सारे काम जड़े आ वह पूरे करके अच्छ दिल्ली बोलती है चाहे स्कूलों की गल आ चाहे वह हस्पतालों की गल आ हर एक जो उत्थे कहा वह अच्छ पूरा करके दिखाया है। मैंने जिस तरह साधु सिंह धर्मसोत की गल की अज नाभे के किसानों वालों जो खास तौर पर विरोध किया जा रहा तुहानू लगता 2022 की जो चोणां आ रही हूँ विरोध भी जो शुरू हो चुका है। देखो विरोध तो जो सरकार ने कोई काम ही नहीं किया सरकार ने जिन्हें वादे किए थे सरकार को चाहिए थे कि सारे के सारे वादे जड़े पूरे करन। विरोध ही उठना है पर यूथ ने सड़कों पर आना किसानों ने सड़कों पर आना जो जड़े वादे किए थे जो सरकार नहीं पूरे करेगी तो रोस ही पंजाब दे विच उपजूगा होर कुछ इतने नहीं होगा। नवजोत सिंह सिद्धू की गल की आ दिल्ली के गए हैं बड़ी मुश्किल नाल प्रियंका गांधी नाल मिले पंजाब सड़कों पर आ यूथ सड़कों पर आ नौजवान साढ़े सड़कों पर आ साढ़े किसान सड़कों पर आ तो कोई की कर दिया मैनू लगता है मैटर नहीं करती। जिस तरह उरे धरना प्रदर्शन होंगे लगातार लाठीचार्ज होंगे तुम्हें लगता है भी कोई जरा शहर के मुख्यमंत्री का कोई कोई जो संपर्क के आए तो उन्होंने मंग पत्र लवे नहीं मंग पत्र दी गल्लां तो दूर रह गई साढ़े चार साल हो गए मतलब हजे मंग पत्र दी गल्लां ही हो रही ने साढ़े चार साल सरकार सुती पई है साढ़े चार साल हो गए सरकार कन्ना दे विच तेल पाई बैठी हुई है हुण तक जड़े वादे किए थे पूरे कर देने चाहिए सी। लोग कह रहे हैं भी आम आदमी पार्टी की सरकार आऊगी लोगों के विश्वास है लोगों को की कहना चाहते हो भी लोग जो आम आदमी पार्टी के जुड़े आम आदमी पार्टी की सरकार बनदिया ही जिस तरीके दिल्ली के काम हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार इत्थे पंजाब दे विच भी काम करके दिखाऊगी दिल्ली सारे के सारे वादे पूरे किए हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब च भी पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहब के बेदबियां लगातार हो रही हैं की समझते उन्होंने लोगों को कदे माफ़ नहीं करेगा जड़े लोगों ने झूठे वादे किए थे कि जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी कराई है असी उन्होंने फड़ के जेलों से बंद करांगे पंजाब उन्होंने कदे माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल जिस तरह ने कहा तुम देख सकते हो किस तरह जो अध्यापकों वाले जो जी जी धक्का मुक्की जारी शुरू हो चुकी है। तस्वीर के देख लो किस तरह पुलिस वाला जो धक्का मुक्की जारी की जा रही है सो लाइव तस्वीर तुम चढ़ती कला से देख रहे हो जो ये पटियाले दी तस्वीर ने जिथे कि आम आदमी पार्टी के विधायक बीबी बलजिंदर कौर भी आए थे औरतों के जरा धक्का मुक्की की जा रही है
सो इस तरह का लगातार जो अध्यापकों की गल की जाए लगातार जो अध्यापक ने वह धरना प्रदर्शन करने वास्ते आते हैं तो हर बार जो लाठीचार्ज भी होंगे पर अज जी है धक्का मुक्की भी की जा रही है। सो कितना कितना आप कह सकते जो सरकार का जो वादा सी इतने खिलाफ ही नज़र आ रहा है। सो तुम देख सकते हो किस तरह औरत की जी है सो लगातार जो अध्यापक जो मंग ली आते हैं सो इस तरह जोड़ा उन्होंने खिचातू की जाती है। सो बिल्कुल नज़दीक YPS चौंक जोड़ा आप कह सकते जोड़ा एक गढ़ बनता जा रहा धरने का जो बिल्कुल नज़दीक जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का निवास स्थान है जिसन लैके अच पटियाला जोड़ा अध्यापक जो अपनी हकी मंगा लैके उ आए थे। सो तुम देख सकते हो हूँ पुलिस कितना कितने जरा धक्का मुक्की करेगी। सो लाइव बिल्कुल चढ़ती कला टाइम टीवी तस्वीर तुम देख रहे हो इधर औरतों वालों जरा टीचर जोड़ा पुलिस प्रशासन वालों उन्होंने धक्का मुक्की की जा रही है। सो बिल्कुल लगातार जड़िया तस्वीर ने क्योंकि अपनी हकी मंगा लैके YPS चौंक यानी कि मुख्यमंत्री के निवास के स्थान पर बिल्कुल पहुँचे सन पर कितना कितने आप कह सकते हैं सरकार जरा कर कर वादा नौकरी का क्या गया सी अजे तक जरा सरकार ने पूरा नहीं किया। सो गलबात करते हैं मैम पिछले 6 महीनों तो धरने बजा रहे अज सरकार रिमाइंडर मेरे पिंड। सो बिल्कुल लाइव तस्वीर अभी टीचर भी अध्यापकों भी गलबात करावे। सो तुम देख रहे हो किस तरह है पुलिस प्रशासन जरा रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि किसी भी जोड़ा मुख्यमंत्री रिहायश वाल नहीं जान दिता जाता क्योंकि एक प्रोटोकॉल हों पुलिस ने जरा बसाण बचाना होंगे क्योंकि जेकर कोई रिहायश वाल जाता तो कूच करता तो उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। सो बिल्कुल पटियाले दी तस्वीर ने सो हूँ कितना कितने जरा माहौल जरा गर्मांता च नज़र आ रहा है। सो टीचर जोड़े अध्यापक ने अपनी हकी मंगा लैके लैन वास्ते अज उरे पहुंचे। भाजी कितों आए तुम अभी खन्ने तो आए जी की मंग की है तुहाडी मंग जी इतने ना तो SST पंजाबी दे कोई भी पोस्टा नहीं आ रही असं लंबे समय तो संघर्ष नाल जुड़े हुए हैं तो लंबे समय तो असं लगातार इतने आ भी रहे हैं पर सरकार एक जमें ही नहीं बिल्कुल नहीं साड़ी गल सुन रही SST पंजाबी तो हिंदी दी पोस्टा बिल्कुल नहीं आ रही पिछे जी इन्होंने मास्टर कैडर की भर्ती की सिर्फ SST दियाँ जो कि बहुत ही घट बाकी एक्स सर्विसमैन पोस्टा देती इन्होंने तो एक दो ओनली दो पोस्टा सगिया SST दियाँ जो कि फार्म भरने वाले हर बार जो मंगा लैके आने तेरे लाठीचार्ज किया जाता धक्का मुक्की की जाती है। आम आदमी पार्टी वालों की विश्वास दवाया गया पार्टी बारे मैंने कोई जानकारी नहीं किसी पार्टी बारे मंग जी रखी गई थोड़ी जायज़ है मंग साडिया मंगा बिल्कुल जायज़ ने क्योंकि लंबे समय तो जो की सरकार बनी आ कोई भी पोस्ट नहीं क्ढ़ी इन्हें सरकार ने तो असी बेरोज़गार इन्हें पढ़ लिख के तो कि असी धक्के खा रहे हैं असी आने वाली पीढ़ियों को यही कह रहे हैं भी जे तो तुम SST सब्जेक्ट रख के अपनी BED करते हो तो एक अपने आप को खूह च सिट रहे हो। सो बिल्कुल इस तरह ने कहा कि जेकर कोई पढ़ाई करता तो खूह च सिट रहा तो तुम देख रहे हो इस तरह लगातार अध्यापकों की गल की जाए और अपनी मंगा लैके उ आते हैं पर सरकार वालों जो इन्होंने नौकरी का वादा किया जाता है और जोड़ा पूरा नहीं किया जाता। सो असी गलबात भी करा क्योंकि लगातार जरा तुम देख सकते हो 873 पोस्टों में 1000 पोस्टों का होर वाधा किया जाए जाने की पोस्टों के वाधा करने की गल की जा रहा है। भाजी की समझते हो लगातार तुम उन्ने हो तुम्हारी मंग पूरी नहीं होंगी कदम भीर जी मंग पूरी नहीं होंगी हैगी असं चाहते हैं घट्टो घट 20 साल बाद पोस्ट आई वो भी आटे के नूण के समान असं चाहते हैं भी 873 1000 पोस्ट का वाधा करके 1873 किया जाए तो कि सारे बेरोजगारों रुजगार मिल सके। सो बिल्कुल जिस तरह लगे बेरोजगारों रुजगार मिल सके। सो तुम देख सकते हो बिल्कुल पटियाले दियां तस्वीर ने सो प्रोफेसर बलजिंदर कौर जो आम आदमी पार्टी तो विधायक ने उन्होंने जो कटन की कोशिश की जा रही है क्योंकि पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाल है क्योंकि ये हमायत के इतने आए थे। सो लगातार तुम देख सकते हो भारी पुलिस फोर्स इस तरह व्यवहार किया जा रहा है। सो बिल्कुल YPS चौंक का यह और धरना प्रदर्शन किया जाता है जिते कि लगातार अध्यापक अपनी मंगियों वास्ते उरे पहुँचते हैं तो खिचतू की जाती है। सो सो हूँ जरा सो सो तुम देख सकते हो YPS चौंक दी तस्वीर सी जिथे कि खास तौर पर धक्का मुक्की हुई है तो आम आदमी पार्टी प्रोफेसर बलजिंदर कौर इतने पहुंचे ने हूँ देखना होगा इन्होंने इतों किस तरह उठाया जाता है। पटियाला तो कैमरामैन मनजोत सिंह के नाल अमरजीत सिंह की रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम TV।